Hello my lovely viewers, welcome back to my channels. Today I am going on topic common fig. Guys, this is a common fig tree. The fruit, also called the fig, is an important crop in those areas where it is grown commercially. Native to the Mediterranean and Western Asia, it has been sought out and cultivated since ancient times and is now widely grown throughout the world, both for fruit as an ornamental plant. The species has become naturalized in scattered locations in Asia, North America, and India. तो गाइस, मैंने इंग्लिश में तो बोला क्योंकि गाइस मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि फॉरनर है, जो इंग्लिश में ही इसकी वीडियो चाहते थे. तो गाइस, इसको हम अपनी भाषा में, वैसे हिमाचली में इसको दागला कहते हैं और हिंदी में इसे अंग कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कॉमन फिग के नाम से जाना जाता है. तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लांट जैसे कि कई ऐसे देश या कई ऐसे कंट्रीज है वहाँ पे इसको लगाया जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में जैसे कि हमारे हिमाचल में इसको नहीं लगाया जाता, इसको ये खुद ही हो जाता है. यहाँ पे इसको बिना जैसे कि बिना लगाए ये हो जाता है, क्योंकि कई बार इसके जो बीज होता है वो खुद ही गिर जाता है और ऐसे कई साल के बाद ये लग जाता है. तो दोस्तों, ये इसका फ्रूट होता है. फ्रूट के साथ साथ इसकी एक और खासियत भी है गाइस, ये एक मेडिसिन भी है. अगर आपको आप इसको जैसे कि शाम को जैसे कि दूध में डालते हैं तो खाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, गुणकारी होता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. और दोस्तों, साथ साथ में मेडिसिन प्लांट के साथ साथ ये प्लांट ऐसा है कि इसको फ्रूट भी कहा जाता है और इसको एक वेजिटेबल भी कहा जाता है. वेजिटेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको वेजिटेबल जो सब्जी के काम भी इसको लिया जाता है, जैसे सब्जी भी इसकी बनाई जाती है. हमारे कई ऐसे हिमाचल में ऐसे ज़िले हैं, ऐसे ऐसे सिटीज एरियाज है जहाँ पे इसको इसकी जो सब्जी बनाई जाती है. तो दोस्तों, ये छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता, वैसे ठीक ही होता है. मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ. ये देखो दोस्तों, मैं तोड़ भी रहा हूँ और इसमें जैसे कि दूध जैसा होता है. और ये देखो दोस्तों, ये बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है अगर आप इसका अच्छे से सेवन करते हैं. तो दोस्तों, ये है अंजीर, कॉमन फिग. तो दोस्तों, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कई प्रकार की इसकी वैरायटीज होती है. तो दूसरी वैरायटी होगी, उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसी ये होती है. और तो दोस्तों, इसका जो पत्ता होता है ये सॉफ्ट नहीं होता है, जो इसकी दूसरी वैरायटी होती है उसका पत्ता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. और इसका पत्ता बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, खारिश वाला होता है. अगर आप एक बार इसको हाथ में लगाए तो थोड़ी सी खारिश लग जाती है. तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों, कितने सारे पक चुके थे. तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताया जाए कि क्या होता है कॉमन फिग. से दोस्तों, हमें हमारे आसपास ऐसे मेडिसिन प्लांट होते हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है. तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो ज़रूरी नहीं आप मिसयूज करें इंटरनेट का. इंटरनेट से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हो, ये कौन सा प्लांट है और कैसी मेडिसिन तैयार होती है और कौन सा फ्रूट है, कैसा इसके लिए हमारे शरीर के लिए कैसा सूट रहेगा या नहीं रहेगा. तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों, ये ऐसा प्लांट होता है
इसको आप जैसे कि ज़्यादा केयर नहीं करती करनी पड़ती इसकी। ये देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इससे हमें लकड़ियाँ भी मिलती है, साथ में पशुओं को घास भी मिल जाता है और साथ में फल भी मिलते हैं और सब्जी भी मिलती है। तो दोस्तों ये एक फॉरेस्ट फ्रूट भी है, जंगली फ्रूट भी है, जंगली फल भी है, क्योंकि जंगल में ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसका आजकल सीजन चला होता है कि जैसे कि आजकल इसका सीजन होता है पकने का और ये पक चुके हैं, वैसे लेट हो गए हैं इस बारी क्योंकि जो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बारी धूप ज़्यादा नहीं हो रही है, इसको धूप भी अच्छी चाहिए होती है तो ये अच्छे से पक जाता है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या है अंजीर और क्या है इसके फायदे। फायदे दोस्तों कई प्रकार के फायदे होते हैं इनके, जैसे कि ये मेडिसिन प्लांट है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आप जब इसको खाते हो तो ये आपकी जो भूख होती है उसको खोल देता है। आपको अगर आप डेली रूटीन में इसको खाएंगे और इसका सेवन करेंगे तो आप अच्छे से हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों हमने भी कई बार इसको खाया है। वैसे दोस्तों पहले जो बताया जाता है कि हमारे जो दादा होते थे हम ऐसे ही फ्रूट खाते थे, तो ही दोस्तों उनकी उम्र 100 साल से ऊपर है और ये ऐसे फ्रूटों का वो सेवन करते थे। तो अच्छी जो ये ऐसे प्लांट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ना इनमें खाद दी जाती है ना कुछ भी, ये बस प्रकृति से ही मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं। इसमें बस ये जो नेचर की धूप और छाया एवरीथिंग वाटर सब कुछ इसमें होता है। तो दोस्तों हमें ऐसे फ्रूट खाने चाहिए। साथ में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको एक और इसका जो मेन पार्ट है कि जो हमारे हिमाचली लोग होते हैं उनको कई बार जैसे कि घास काटते हैं तो कई प्रकार के जो सुई कांटे होते हैं वो लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कोई कांटा लगा होता है तो थोड़ा सा उसको खुरीदा जाता है, थोड़ा हल्का सा, और वहाँ पे जहाँ पे कांटा लगा है अगर निकल नहीं रहा है तो वहाँ पे इस दूध को लगाया जाता है और कुछ एक मिनट के बाद वो कांटा खुद ही बाहर निकल जाता है। इसका दूध इतना तेज होता है, लगता तो है इसका दूध बट जल्दी से ही जो कांटा होता है वो निकल जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा यही वीडियो था कि आपको यही बताना था कि हमारे हिमाचल में या अन्य जहाँ पे भी हमारे देश और विदेश में ऐसे प्लांट्स होते हैं तो दोस्तों इनकी हमें केयर करनी चाहिए, इनकी टाइमली से कांटा कटाई और छंटाई करनी चाहिए। कि कई बार ऐसा था कि पौधा बड़ा बढ़ जाता है तो उसको उससे फल नहीं होते हैं। दोस्तों इसमें भी कई प्रकार की वैरायटी मैंने बताई, ये वाली वैरायटी ऐसी है कि कई ऐसे होते हैं जो पकते नहीं हैं, उनकी सब्जी ही बनाई जाती है, इनकी भी बना सकते हैं बट ये हमने खाने के लिए ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लगे थे एक छोटी सी डाली में, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ये देखो दोस्तों ये भी कुछ दिनों में पकने वाले हैं क्योंकि आजकल हिमाचल में बहुत ज़्यादा धूप भी लगी है और बारिश भी लगी है। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, अंजीर वाली, और आपको पता था कि जो ये मैंने आपको अंजीर बताया इसको कॉमन फ्रूट के नाम से जाना जाता है और हिमाचल में इसे दागले के रूप में जाना जाता है, अंजीर भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और दृश्य मैंने कैप्चर किया अपने कैमरा में, यहाँ पे जो तितली फ्लावर के ऊपर बैठी थी तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए और आपको ये वाला सीन बताया जाए। क्योंकि कई ये कई बार ही होता है जब तितलियाँ फूलों के ऊपर होती है, तो ये तितली बहुत देर से बैठी हुई थी तो मैंने सोचा इसको आपको बताया जाए। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा,
साथ साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। तो दोस्तों एक और खुशखबरी है जो मेरे लवली व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ये पता नहीं कब बनाऊंगा, बट मैं बनाऊंगा जरूर। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा ताकि अच्छे से अच्छे मेरा चैनल ग्रो हो।